أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुफिन दफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्लास चल रही है हमारी बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की। मुझे उम्मीद है आप इस सीरीज से फ़ायदा उठा रहे होंगे और यकीनन आपको सीखने का मौका भी मिल रहा होगा। दोस्तों आज हमारी क्लास 13 है बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेंटेंसेस के हवाले से। हम देखेंगे कि हमारे पास सेंटेंसेस की मुख्तलिफ अकसाम कौन सी हैं और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले, जैसे आपको पता है कि हम हर क्लास के शुरू में सबसे पहले देखते हैं अपनी पुरानी जो क्लास होती है उसकी एक्टिविटी का सोल्यूशन। हमारी जो क्लास 12 थी उस एक्टिविटी के जो क्वेश्चन थे वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था यूजिंग रीड और स्टडी इंस्टेड ऑफ पेरूव इज एग्जांपल ऑफ, ये हमारे पास एग्जांपल थी फैमिलियर वर्ड्स की कि हम फैमिलियर वर्ड्स यूज करेंगे। अवॉइड कंफ्यूजिंग वर्ड फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस मैसेज राइटिंग गाइडलाइन, के हमारी बिजनेस मैसेज राइटिंग की जो गाइडलाइंस थी उसमें जो अवॉइडिंग कंफ्यूजिंग वर्ड था ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो ये हमारा स्टाइल एंड रीडेबिलिटी के अंदर फॉल करता है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन था यूजिंग शॉर्ट वर्ड इज एग्जांपल ऑफ, के शॉर्ट वर्ड्स का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो किस चीज की एग्जांपल है, तो ये हमारे पास वर्ड चॉइस की एग्जांपल है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक इंग्लिश विच इज इजीली रिटन एंड इजीली अंडरस्टूड, तो ये हम प्लेन इंग्लिश का जो यूज करते हैं दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड इजीली रिटन, तो ये हमारे पास प्लेन इंग्लिश जो है हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्लास की जानिब। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो डिस्कशन है वो बिजनेस राइटिंग मैसेज के ऊपर चल रही है, री राइटिंग मैसेज की हम बात कर रहे हैं। हम देखेंगे सेंटेंसेस क्या है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, और ये सारे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इनके अंदर क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा। इफ अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो स्टडीज अबाउट द बाइस फ्री लैंग्वेज, हम देखेंगे बाइस फ्री लैंग्वेज से क्या मुराद है। इसमें हम देखेंगे कल्चरल बाइस क्या होती है, जेंडर बाइस क्या होती है, एथिक ऑथेंटिक बाइस या रेकल बाइस, डिसेबिलिटी बाइस क्या होती है और इनमें फर्क क्या है। एथेनिक बाइस और डिसेबिलिटी बाइस को भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं सेंटेंस से। अब सेंटेंस क्या है, द सेंटेंस इज जनरली डिफाइन वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड, ये या तो कोई अल्फाज होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो हमारे कंप्लीट सेंस जो है उसको बनाते हैं। ईच सेंटेंस बीइंग्स बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, हर जो सेंटेंस है एक कैपिटल लेटर यानी बड़े अल्फाज से शुरू होता है एंड एंड विद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप पे खत्म होता है या क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क के ऊपर या एक्सप्लेनेशन मार्क, या एक्सप्लेनेशन मार्क के ऊपर खत्म होता है। हमारे पास दोस्तों सेंटेंसेस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। हम बारी बारी इनको देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू मैं इनका डिफरेंस समझाने की भी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल सेंटेंस, इट हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि इसके अंदर हमारे पास एक जो है वो इंडिपेंडेंट यानी कोई ऐसा वर्ड नहीं होता जो किसी दूसरे वर्ड के ऊपर डिपेंड करता हो। अभी हमारे पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं जो दूसरे वर्ड पर डिपेंड करते हैं तो उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब कोई भी हर लफ्ज जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है द सन रोज, इट माइट स्नो टुमारो, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कंपाउंड सेंटेंस, इट हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइन बाय बट नॉर एंड फॉर आर और सो, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और इनके दरमियान या तो बट होता है या नॉर होता है या एंड होता है या फॉर होता है या आर होता है या सो होता है या येट भी होता है। तो बहुत सारे अल्फाज हैं जो इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को
ज्वाइंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपको नजर आ रही है, द सन रोज एंड एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट। जब सूरज निकलता है तो हर चीज जो है वो मतलब ब्राइट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए एंड जो है, सन रोज एक अलग आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एवरीथिंग लुक लाइक ब्राइट ये एक अलग क्लॉज है। तो इनके दरमियान एंड जो है इट विल मेक द कंपाउंड सेंटेंस। इट माइट स्नो टुमारो और इट माइट बी फाइन। अब कल जो है वो बर्फबारी हो भी सकती है और नहीं भी, मौसम साफ भी रह सकता है। तो ये हमारे पास और दरमियान में लगा हुआ है, तो ये भी हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस है। इसके बाद आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट हैज मेड विद वन आर टू क्लॉज वन डिपेंडेंट। अब ये एक क्लॉज से या दो क्लॉज से बना होता है जो इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन एक इसके अंदर अब डिपेंडेंट भी होती है। अब डिपेंडेंट की एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। द चिल्ड्रन हैव टू स्टे इनसाइड एज इट वाज रेनिंग। अगर बाहर बारिश हो रही है तो बच्चे जो हैं वो इनसाइड द हाउस जो है वो स्टे करेंगे। तो अब ये देखें, ये डिपेंड करती है, जो स्टे है वो डिपेंड करता है रेनिंग के ऊपर, कि रेनिंग अगर बाहर बारिश है तो बच्चे जो हैं वो इनसाइड स्टे करेंगे, अगर बारिश नहीं है तो वो बाहर निकल सकते हैं। तो ये देखें, ये डिपेंड कर रहा है बारिश के ऊपर। द टीचर रिटर्न द होमवर्क आफ्टर शी हैड चेक्ड इट। द टीचर रिटर्न द होमवर्क शी हैड चेक्ड इट। जब टीचर जो है वापस आपको होमवर्क देती है, जब वो स्कूल का काम चेक कर लेती है। तो ये देखें, डिपेंड करता है ऑन द चेकिंग ऑफ द स्कूल वर्क, कि अगर आपका स्कूल वर्क चेक हो गया तो आपको होमवर्क मिल जाएगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास आता है जी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अभी इसके अंदर क्या होता है, इट हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइन टू वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज। अब टू इंडिपेंडेंट है और एक या दो जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है जो उसको ज्वाइन करती है। यहाँ पे अभी एग्जाम्पल देखें, पीपल हु रीड बुक्स रेयरली रीड नॉवल्स, दे ऑफन फाइंड बुक्स डिफिकल्ट। कि लोग जो है वो या तो किताबें पढ़ते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं या जो लोग नावल पढ़ते हैं उनके लिए बुक्स तलाश करना जो है वो मुश्किल है। अब इसके अंदर देखें दो तीन क्लॉज मिलकर है, इसमें अब डिपेंडेंट क्लॉज भी है और इनडिपेंडेंट भी क्लॉज है, कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उनके लिए मुश्किल है बुक्स को ढूंढना, तो ये डिपेंडेंट भी बन जाता है और बुक्स रीडिंग जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे सेंटेंस की एग्जांपल है। दोस्तों बिजनेस मैसेज को अच्छा करने के लिए हमें जो है जब हम लिख रहे हो तो हम उसमें यूज करते हैं बाइस फ्री लैंग्वेज। अब बाइस फ्री लैंग्वेज क्या है, बाइस इज डिस प्रोपोर्शनेट वेट इन फेवर आर अगेंस्ट एन आइडिया और थिंग यूजुअली इन अ वे दैट इज क्लोज माइंड prejudicial और unfair। कि हम या तो किसी की फेवर में कुछ बोल दें या किसी की अगेंस्ट कुछ बोल दें, ये disappropriate कर दें, तो ये हमारी bias बन जाती है। तो when we are writing about the business message, तो we must try to bias, use the bias free language, हम bias free language use करें। Avoid bias language that might often the audience. Some of common biases are, हमारे पास कुछ forms हैं bias free language की, तो इसमें हमारे पास cultural bias है, इसमें हमारे पास gender bias है, इसमें हमारे पास racial and ethnic bias है और disability bias है। अब इसको हम आगे further जो है बारी बारी एक एक bias को देखते हैं और example के through मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आज ही cultural bias। अब कल्चरल बायस क्या है, कल्चरल बायस इज टू इंटरप्ट अ वर्ड आर एक्शन अकॉर्डिंग टू द कल्चरली डिराइव्ड मीनिंग असाइंड टू इट। कि अब कुछ जो है वो कल्चर्स के अंदर जो है हम एक वर्ड बोलते हैं जी मैन पावर, अब अगर हम यही वर्ड यूरोप के अंदर बोलेंगे तो ये अच्छा बना जाएगा, लेकिन अगर हम इसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में या मुस्लिम कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो शायद इसको इतना अच्छा ना समझा जाए मैन पावर को। तो ये जो है इसको हम जो है इसके बजाय वर्कफोर्स जो है वो यूज कर सकते हैं, यानी हम बाइस फ्री हमने उसको बनाना है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसके बाद हमारे पास जेंडर बाइस है। अब जेंडर ये नाम से ही जाहिर है कि वी मे प्रेफर द वन जेंडर ओवर एन अदर जेंडर, कि हम एक जेंडर को दूसरी जेंडर पर जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। जेंडर्स आर मेल आर फीमेल जेंडर ना, तो यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव देन मेल, ये हमारी एक प्रेडिक्शन है, ये गलत भी हो सकती है।
गेव हाई मार्क्स टू देम और इसी बिहाफ पे हम उन्हें जो है वो ज्यादा अच्छे नंबर दे देते हैं, तो ये हमारी जेंडर बाइसनेस होगी। इसके बाद जो तीसरी बाइसनेस है वो रेकल और एथेनिक बाइस है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर एथेनिक ग्रुप, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड एटसेट्रा, कि हम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दें। अली विल अवॉर्डेड विद द प्राइज बिकॉज ही हैव गुड हेल्थ, कि हम जो है एक अली को एथलीट बना देते हैं और उसे प्राइज भी अवॉर्ड कर देते हैं क्योंकि उसकी सेहत अच्छी है, तो ये हमारी एथेनिक बाइसनेस होगी। इसके बाद आखिरी जो है हमारे पास डिसेबिलिटी बाइस, ये नाम से ही जाहिर है कि डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन इज व्हेन अ पर्सन विद द डिसेबिलिटी इज ट्रीटेड लेस फेवरेबली देन अ पर्सन विदाउट द डिसेबिलिटी इन द सेम और सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे हम एक जो मजदूर आदमी है उसकी लेस फेवर करते हैं, ये हमारी नॉर्मल रूटीन भी है, हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और जो डिसेबल हैं उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए, गवर्नमेंट भी जो है उनको सपोर्ट करती है और एक प्रॉपर कोटा जो है उनके लिए मुख्तस होता है, नॉट प्रोवाइड द जॉब और टू द डिसेबल पर्सन। हम लोग जो है नॉर्मली जो डिसेबल या हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनको हम जॉब नहीं देते, तो ये हमारी डिसेबिलिटी बाइसनेस होगी। तो हम लोग जब भी कोई बिजनेस मैसेज लिखें तो हम कोशिश करें कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बाइस फ्री लैंग्वेज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने सेंटेंसेस के हवाले से पढ़ा और बाइस फ्री लैंग्वेज के हवाले से पढ़ा, सेंटेंसेस की मुख्तलिफ फॉर्म के बारे में पढ़ा और बाइस फ्री लैंग्वेज की मुख्तलिफ फॉर्म्स को देखा। आज की क्लास जो है खत्म करने से पहले हम चलते हैं अपनी आज की क्लास की एक्टिविटी की जानिब। आप जल्दी से नोटबुक ओपन कर लें दोस्तों। ये जो एक्टिविटीज मैं आपको हर लेक्चर के इख्तिताम पे देता हूँ, अगर आप ये एक्टिविटीज कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबरों से ये सब्जेक्ट पास कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की एक्टिविटी को नोट कर लें और अगली क्लास में आने से पहले मुझे चेक करवाएं। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और एक बार क्विकली समराइज करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि हम कैसे रीराइट कर सकते हैं अपने बिजनेस मैसेज को through changing the sentence structure into the simple sentence, compound sentence, complex sentence and complex compound sentence. We can make our business message effectively when we are using the bias-free language. We have multiple biases that included the cultural bias, gender bias, racial bias and disability bias. We have concluded our today's session. दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है ताकि उनको भी फायदा हो, कमेंट जरूर किया करें और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की क्लास में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।